कभी ग्रीन जोन में शामिल रहा फतेहपुर अब कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, यानी फतेहपुर में भी कोरोना वायरस ने अपनी सेंध लगा ली है। फतेहपुर में पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद से ही जिले में हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज बिंदकी के जाफरागंज थाना इलाके की नयापुर का रहने वाला है। पीड़ित मरीज की केस हिस्ट्री खंगालने पर पाया गया कि युवक 2 मई को ही मुंबई से लौट कर आया है। यात्रा के दौरान वह बांदा की एक महिला के साथ सहयात्री भी रहा। महिला बांदा में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं गांव आने के बाद युवक 2 दिन तक गांव के लोगों से मिलता जुलता रहा। ग्रामीणों के विरोध करने के बाद युवक जांच के लिए जिला अस्पताल गया था। जिला अस्पताल से युवक के सैंपल को इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा गया था, जहां युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। जानकारी मिलने के बाद से ही पूरे जिले में हड़कंप मच चुका है। एहतियातन डीएम संजीव सिंह ने बिंदकी तहसील के नयापुर गांव को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। गांव को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। सिर्फ मेडिकल, सफाई कर्मी और कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए ही छूट यहां दी गई है। डीएम संजीव कुमार द्वारा जारी आदेश में निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी की गई है। यानी जो फतेहपुर अभी तक ग्रीन जोन में शामिल था, वो भी अब कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। जैसे ही जानकारी मिली कि जिले में कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आया है, डीएम संजीव सिंह सहित तमाम आला अधिकारी हालात का जायजा लेने नयापुर गांव पहुंच गए। साथ ही हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज को फिलहाल न्योलापुर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक भी कर सकते हैं, ताकि ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।